फ्रेंड्स, मैं पूनम, पूनम्स इजी रेसिपीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर चिल्ली। तो चलिए हम पनीर चिल्ली बनाते हैं। तो पनीर चिल्ली बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। एक बाउल मैंने पनीर लिया है, कैप्सिकम, येलो, रेड एंड ग्रीन कलर का कैप्सिकम मैंने कट कर लिया है, अनियन मैंने कट कर लिया है, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, गाजर मैंने कट कर लिया है, अदरक और लहसुन का जो क्रश किया है मैंने, दो लहसुन का कली है एंड अदरक हाफ इंच मैंने इसको काट कर मैंने मतलब क्रश करके रखी हूँ, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर लीव, धनिया पत्ता एंड ग्रीन चिल्ली। गैस बंद कर देंगे। गार्निश के लिए हम इसमें कोरिएंडर लीव डालेंगे। इसे हम बाउल में ट्रांसफर करते हैं। तो आपका पनीर चिल्ली रेडी है। अब हम इसे गार्निश कर देते हैं हरी धनिया से। ये पनीर चिल्ली आपका रेडी हो गया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं हम अगले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।